हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं वेज उपमा, जिसके लिए मैंने लिया है एक प्याज कटा हुआ, एक बॉल पत्ता गोभी कटी हुई, एक टमाटर कटा हुआ, दो हरी मिर्च कटी हुई, थोड़ी सी मूंगफली और बादाम, आधा छोटा चम्मच राई और चने की दाल, उड़द की दाल, एक कप सूजी। अब एक पैन में एक बड़ा चम्मच घी का गरम करें। घी गरम होने के बाद इसमें सूजी डालकर भूनें। सूजी को लगातार चलाते हुए भूनें। सूजी को हमें ज़्यादा नहीं भूनना, इसका कलर चेंज नहीं करना, बस उसमें से भुनने की खुशबू आने लगे इतना भूनना है। दूसरे पैन में 2 कप पानी गरम करें। सूजी अब हमारी भुन गई है, इसको अलग बर्तन में निकाल लें। अब इसी पैन में एक बड़ा चम्मच तेल का डालें। तेल गरम होने के बाद राई, लाल मिर्च, चने की दाल, उड़द की दाल डालकर थोड़ा सा भूनें। इनका थोड़ा पकने के बाद इसमें हम अभी प्याज नहीं भूनेंगे, उससे पहले हम बादाम और मूंगफली को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। अब इसमें प्याज और हरी मिर्च डालकर उनको भी थोड़ा सा भूनें। जब प्याज और हरी मिर्च थोड़ी भुन जाएं, अब इसमें हम टमाटर भी ऐड करेंगे। अब टमाटर को भी हमें पकाना है थोड़ा सा। टमाटर को भी थोड़ा सा भूनते रहें जब तक कि टमाटर पक ना जाए। अब इसमें हम पत्ता गोभी भी ऐड कर देंगे। अब हम पत्ता गोभी को भी इसमें मिक्स करेंगे और इसे हमें इतना पकाना है कि पत्ता गोभी पक जाए। इसे ज़्यादा नहीं गलाना। पत्ता गोभी को हाफ फ्राई सा रखेंगे। मसाले को लगातार चलाते रहें। अब इसमें सूजी ऐड करें। अब इसको भी मिक्स करें सूजी को। अब इसमें थोड़ा पानी डालें। पानी और डालकर उसको और मिक्स करें। अच्छी तरह मिक्स करते जाएं। अब सारा पानी डालकर इसे फिर दोबारा से अच्छी तरह मिक्स करें। इसको लगातार चलाते रहें। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक और लाल मिर्च डालेंगे। इसको भी अच्छी तरह मिक्स करें। इसे हमें जब तक मिक्स करना है, जब तक पकाना है, जब तक कि हमारी सूजी अच्छी तरह पक ना जाए। अब हमारी सूजी पक गई है। अब हमारा उपमा तैयार हो गया है। अब गैस बंद कर दें और इसको थोड़ी देर ढक के रख दें 1 मिनट के लिए, और उसके बाद गर्मा गर्म सर्व करें। हमारा टेस्टी उपमा तैयार है।